मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सात दिवसीय हेमंत कवि चंद्र कुंवर वर्थवाल खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शारदोत्सव मेले का शुभारंभ करने पोखरी पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर मेले का आगाज किया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति के चितेरे कवि चंद्र कुंवर वर्थवाल ने 28 साल की उम्र में हिंदी साहित्य को अनमोल कविताओं का समृद्ध खजाना दे दिया था। इस दौरान उन्होंने पोखरी में सीसी मार्ग, नालों के निर्माण और सोलर लाइट सहित कई घोषणाएं की। वहीं उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले को लेकर कहा कि सरकार जांच कर रही है, जल्द ही लोक सेवा आयोग के माध्यम से 7,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी और युवाओं को हर स्तर पर न्याय दिया जाएगा। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद पंत, जिला अधिकारी हिमांशु खुराना, जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, एसपी श्वेता चौबे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। चमोली से नीरज भंडारी की रिपोर्ट। संत कवि चंद्र कुंवर वर्थवाल जी को उनका स्मरण करता हूं और जिन्होंने बहुत अल्पायु में हमारे लिए अनेक अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं हम सबको समर्पित करते चले गए। निश्चित रूप से हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उनको स्मरण में रखें। उनके लिए यहाँ पर मेलों का आयोजन हो रहा है और इन मेलों के माध्यम से जहाँ आज हमारा लोगों का आना जाना है, पर्यटन का जो आधार है वह भी बढ़ेगा।